आज मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हूँ, हैवी वाले नाराज हूँ। जो सेफ काइट फ्लाइंग है वो हम कह रहे हैं कि यार किसी की गर्दन ना कटे, किसी की उंगली ना कटे, किसी का कुछ नुकसान ना हो। कहते हो तो फिर मैं यूट्यूब छोड़ देता हूँ, और ये है कि फिर आप लोगों को फादी बाबा या जो मेरी शक्ल है दोबारा आपको यूट्यूब पे ना देखने को मिलेगी नहीं। पर ये चेक करो यार, बारिश कितनी ज्यादा तेज हैवी वाली स्टार्ट हुई है। ये देखें, इन्होंने बैकआउट नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपको भाई भी मज़े में अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहा है। सीन्स ऐसे हैं कि बाबा जी आज मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज हूँ, हैवी वाला नाराज हूँ। इस बात में नाराज़ नहीं हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, सब कुछ करते हो। कल काफ़ी भाइयों ने मुझे बोला कि यार आप अगर काइट कंटेंट बनाओगे तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। भाई देखो, आप जो इंसिडेंट हुआ है ठीक है, उसके अंदर वो समझ लो कि हमारा भाई था। वो जो फैसलाबाद में इंसिडेंट हुआ है ना, वो हमने इसलिए अपने गुड़े फाड़े हैं कि उसे हमने अपना भाई समझा, ठीक है। मतलब कि यार हमारी भी फैमिलीज़ वगैरह जाती हैं, आपको काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ कि यार हम लोग ने गंदा शौक नहीं करना, ठीक है। जो सेफ काइट फ्लाइंग है वो हम कह रहे हैं कि यार किसी की गर्दन ना कटे, किसी की उंगली ना कटे, किसी का कुछ नुकसान ना हो हमारी वजह से, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं यार काइट फ्लाइंग ना करो। कल मैंने उड़ाया आड़ा, जिसका वेट आप लोगों ने खुद देखा कितना कम था, वो मोमची से भी काट गया था, ठीक है। तो यार अब मैं यही कहना चाहूँगा कि यार आप लोगों को मैं हाथ तो नहीं पकड़ सकता कि यार मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या फिर जो है ना मेरी वीडियो देखो। और इस आइसक्रीम वाले को अभी आना होता है यार। यार बड़ा गुड़ा, हमने सारा बैकआउट कर दिया, ठीक है। अब इंडिया में बसंत अनबैन क्यों है, ठीक है। अनबैन इसलिए कि यार वहाँ पे 14 नंबर यूज़ होता है, 22 नंबर यूज़ होता है, 20 नंबर यूज़ होता है धागा, ठीक है। धागा मतलब के केमिकल होती है, वो कॉटन धागा नहीं होता, ठीक है। कॉटन धागे से 100% चांसेस होते हैं कि आपका गला काट जाएगा, उंगली काट जाएगी, या और भी जो है ना आपको नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे यार किसी बंदे की गर्दन नहीं कटती, किसी बंदे का जो है ना कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काइट फ्लाइंग का एसोसिएट बना हुआ है। अब यहाँ पे जो काइट फ्लाइंग के ऊपर बैन लगा है, ठीक है, इसकी वजह से पाकिस्तान में काफ़ी लोग बेरोज़गार हो गए हैं, काफ़ी लोगों के चूल्हे घर के बंद हो गए हैं, ठीक है। और पाकिस्तान को ना करते $1.4 बिलियन का नुकसान भी हुआ है। क्यों है? ये नहीं कि यार अब जहरी सी बात है, देखो मैं सपोज करो खाली मैं ये ऐसा काम नहीं करता, ठीक है। समझ लो कि मेरी अगर 1000 काइट्स दिन में सेल हो रही हैं, ठीक है, उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट रख के मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा गाड़ी चलेगा ना, ठीक है। तो वो अब उनका जब लेने वाला कोई नहीं होगा तो वो प्रॉफिट किधर से कमाएँगे, अपनी काइट्स किधर से सेल करेंगे। तो यार क्या कह सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। बाकी यार जो भाई कह रहे हैं कि ये है कि आप काइट फ्लाइंग ब्लॉग ना करो, कोई और कंटेंट रख लो, फिर भाई मैं कोई और कंटेंट भी नहीं रखता। फिर मुझे बता दो कि फिर ये मेरी लास्ट वीडियो हो जाएगी, ठीक है। कहते हो तो फिर मैं यूट्यूब छोड़ देता हूँ, और ये है कि फिर आप लोगों को फादी बाबा या जो मेरी शक्ल है दोबारा आपको यूट्यूब पे ना देखने को मिलेगी नहीं। हाँ यार, फिर एट दी एंड यही काम हो सकता है ना। फिर जाहिर सी बात है यार, अब हमारा एक शौक है, उसको हमने बड़े लेवल पे ना फाड़ दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यार हमने अपना कितना ज़्यादा सामान फाड़ा है। हमारे लिए 10-20 हज़ार जो है ना अहमियत नहीं रखना, हमारे लिए अगले बंदे की जान अहमियत रखती है, ठीक है। कल भी वहाँ से डाइता भी उड़े थे, मैंने सारों को अवॉइड किया, यार बड़ा गुड़ा ना उड़ाओ। इंडिया में कौन सी गुड़ा उड़ता है? आडा उड़ता है, तावा उड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ मारो ना तो 1.5 तावा उड़ता है, ठीक है। इससे बड़ा गुड़ा उड़ता ही नहीं है। तो बाकी यार यही कहूँगा कि यार ना हेट फैलाओ, अगर फिर भी कहते हो कि फादी भाई छोड़ दो, फिर हम यही करेंगे यार, मैं फिर अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा, यही हो सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ यार कि मेरी पब्लिक, जिनके आज से तकरीबन हफ्ता पहले इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते थे, लव यू फादी भाई, हम आपके साथ हैं, फादी भाई 12 तवा कब बनाना है, यार फादी भाई आप वीडियो में ये क्या कहते हो, यार फादी भाई आपने इतनी अच्छी वीडियो बनाई है, अभी वही कमेंट कर रहे हैं कि यार फादी भाई अगर आप काइट व्लॉग बनाओगे तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। भाई आपका हक बनता है, ठीक है, अब आप खुद करोगे, ठीक है, जो भी करोगे आप, हम तो नहीं आपके हाथ पकड़ के कहेंगे कि हाँ यार मेरी वीडियो देखो जाके हैं। तो बाकी देख लो यार, जैसे आपका दिल है सपोर्ट करना तब भी शुक्रिया, नहीं करना तब भी शुक्रिया, कोई मसले वाली बात नहीं है। और अगर कहते हो कि फादी भाई ये कंटेंट चेंज कर लो, फिर ये है कि मैं चैनल अपना डिलीट कर देता हूँ। और मैं एक और बात क्लियर करता चलूँ कि यार ये हम किसी से डर के नहीं कर रहे, ठीक है। पहले भी जब बहन थी, सही तरह अच्छी तरह बहन थी, बसंत के दिनों में भी हमने ऐसी बसंत बनाई है कि आप समझ सकते हो कि भाई पूरे पिंडी में किसान बसंत बनाई गई है, ठीक है। ये खाली हमने अपनी ज़मीर के लिए किया कि बड़े गुड़े फाड़ दिए हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया भाई। लोगों ने 50-50 जोड़ियाँ जो उनसे हैं ना ढाई तावे की फाड़ी हैं, ठीक है। तो बाकी यार जिन्होंने फाड़ियाँ उनको अप्रिशिएट करते हैं। बस ये कि यार आज काफ़ी अच्छे गुड्डे उड़ रहे हैं, वो चेक करो कितना मज़े का जो है ना टेडी पान उड़ रहा है। आई थिंक सो इनकी गेम है या पता नहीं क्या सीन है।
तो हवा भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हुई है यार, मैं कहता हूँ कि गुड्डे ला के उड़ाते हैं। फैसल का रात को पेपर था, ठीक है रात को फैसल को तैयारी कराई है, यकीन मानो सहरी के टाइम में सोया हूँ, सहरी के टाइम के बाद भी मैं नहीं सोया, अभी जा के उठूँ ठीक है। बाकी जल्दी से लेके आते हैं गुड़ा, इनके साथ गुड्डे शुडे उड़ाते हैं, पेचा शेचा करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ठीक है ना। यार भाई साहब किस्मत ही ख़राब है आपकी बाइक की, अभी एक सीढ़ी उतरूँ तो मुझे जो सा ना हल्की हल्की बूंदों की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी कि यार बारिश हो रही है, तो बारिश स्टार्ट हो गई है। वैसे बादल वगैरह उस लिहाज से है तो नहीं है, बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है ठीक है, वेट करते हैं बादलों का जाने का ठीक है, अगर बारिश रुकती है तो फिर काइट फ्लाइंग करते हैं ठीक है ना। भाई साहब जब तक बारिश हो रही है तब तक बाहर जाते हैं, बाहर जाके आपको अपने सारे संगियों से मिलवाते हैं ठीक है। आप लोग ने यार नोट किया होगा कि आजकल हबीब लोग नहीं मिल रहे, हबीब लोग क्यों नहीं मिल रहे यार, उनके पेपर्स वगैरह हो रहे हैं ठीक है, अफ्तारी के बाद मिलते हैं, तब व्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं मिलता ठीक है, तो ऐसा करते हैं जाते हैं आपको हबीब लोगों से भी मिलवाते हैं, हो सकता है वो घर पर ना हो, अकेडमी गया हो, लेकिन फिर भी यार जाते हैं मिलवाते हैं आपको, शुगल शुगल मेला लगाते हैं इंशाल्लाह, फिर जब ये होगी ना ख़त्म फिर आके काइट फ्लाइंग करेंगे। चलिए जी खवातीनों साथ फाइनली हम गली में आ गए ठीक है, बड़ा प्रात हमारा गया अकेडमी जैसा कि मैंने आपको बोला था ठीक है। अब्बास आ गया, अब्बास भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं और सुनाए बीवी बजे ठीक है आपके, सारे अच्छे हैं। भाई एक बात पता चली है। कौन सी? मेरी तोते को डोर फिर गई है। वो कल टिकटॉक पे भी एक वीडियो आई थी यार, 100% इस बात में मैं कसम भी उठाने के लिए तैयार हूँ कि भाई वो जो है ना एडिट हुई हुई है तस्वीर, वो अगर मुझे तस्वीर मिलती है ना तो मैं यहाँ पे साइड पर लगा दूंगा ठीक है, लेकिन एडिट हुई हुई है तस्वीर भाई, ये मैं आपको 100% कह सकता हूँ। अब आजकल के दिन ऐसे है ना, एक लड़के को डोर फिरी है, अब अल्लाह जाने उसे क्या हुआ ठीक है, यहाँ पे भी डोर फिरी है, और वो तो मर गया ना, वो तो पता है अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह दें, एक बंदे को यहाँ पे फिरी है, यहाँ पे फिरी है, और भाई डोर थी छुरियाँ थोड़ी थी जो तीन जगह पे फिरी है, यहाँ पे भी फिरी है। मैं कहूँ भाई अब किसी ने अपने सुनते भी करवानी होगी ना तो वो भी कहेगा कि भाई मुझे जो है ना डोर फिरी है, क्या कह रहा बंदा इन्हें यार, पाकिस्तानी वहाँ में एक चीज़ को जब पकड़ ले ट्रेंड ही बना लेती है भाई, कि हाँ यार मुझे वीडियो, कल मैंने एक बाइकी वाले की वीडियो देखी है, कहता देखें गाइज ना उसके हाथ में डोर ना उसके हाथ में कुछ, ये देखें गाइज ये मैंने डोर पकड़ी है ठीक है, अभी मुझे फिरने लगी थी, इतना सा भी जख्म नहीं आया भाई, यार माफ़ कर दो यार इस ट्रेंड का, जान छोड़ दो, क्यों है इसा डोर फेर जावे, इसा डोर फेर जावे फिर ऐसा मान सकने है, क्यों इसने फादी दे जिम्मे दे क्यों ला दे, फादी अब अलग नहीं नहीं यार नहीं, ये हमारा प्यारा भाई है, शहजादा भाई है, इसे हम एक्सपोज करते रहते हैं, ये हमारा प्यारा भाई है, क्यूट है यार। अभी जो बारिश है आपको नजर आ रही होगी बिल्कुल हल्की हल्की लगी हुई है ठीक है, अभी ऐसा करते हैं ना कि हमारे पास एक तुकल पड़ी है, पतंग पड़ी हुई है ठीक है, 3.5 गिठी है या 3 गिठी आई थिंक सो, वो केमिकल से उड़ जाती है आराम सुकून से ठीक है, तो अभी हवा तो चल रही है तुकल वाली चल रही है, लेकिन ये कि मैं टेप शेप ले आया ठीक है, उसे जोड़ेंगे और फिर उसे उड़ाएंगे, लेकिन हवा अभी जो ना हवा भी तेज़ है, लेकिन बारिश हो रही है बाबा जी, बारिश जो ही रुकती है इंशाल्लाह फिर पतंग उड़ाएंगे। चले जी खवातीन आज़ाद फैमिली हम हबीब की दुकान पे आ गए ठीक है, हमने पतंग वगैरह जोड़ लिए ठीक है, अब उड़ाने का मसला ये बन रहा है कि ऊपर आए हुए उनके रिलेटिव्स वगैरह ठीक है, अब हम सारों ने मिल के उड़ानी है तो हम जो है ना बंदों को ऊपर नहीं चढ़ा सकते ठीक है, तो हबीब सामने खड़ा हुआ है, इसकी छत का पता करते हैं कि क्या सीन है क्या सीन नहीं है। वड़ा प्रणाले कल्ला ना समझी, काम कर रहा होगा फिर भी यूं यूं है, कल्ला ना समझी करूं काट के मारांगे चला ना समझी, क्यों जी। और सुना बीबे क्या देख रहा था अंदर बैठ के, हैं गंदी गंदी चीजें देखता है, शर्म नहीं आती? आज पेपर था ना तेरा, सुना पेपर सही हुआ सही नहीं हुआ? सही हुआ। चीटिंग शीटिंग हुई है कोई नहीं? नहीं, बाकी सारे बच्चे कह रहे थे मैं बच्चे को ये था पेपर ले लूंगा फिर मैं उनका बोर्ड का पेपर वड़ूंगा ऐसे ऐसे जो खुद आते सारा जो आता है नहीं आता तो उसमें सही शापर फाड़ रहा। बस ठीक है छोड़ के कुछ भी ना आया करो यार, बाकी अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करें, आमीन। यार हबीब हमारे घर में ना वो ऊपर रिलेटिव्स वगैरह आए हुए हैं उनके, तो ऊपर जाना चलो हम तो चले जाएं अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दोस्त वगैरह लेके जाना फिर तुझे पता, अब्बास हो गया तू हो गया समझा कर। अच्छा मुझे बता छत, मुझे बता तेरी छत वेली है? वेली है लेकिन तेरी छत बहुत ऊंची है ना यार, बहुत मतलब कि ना तेरी आगे इस साइड में भी सही दीवारें हैं उस साइड में भी सही दीवारें हैं, अबे को बोल ऊपर एक और सिंगल स्टोरी बना ले, बुर्ज खलीफा बना ले ताकि आवाज है ना, अपना मकान लेंगे फिर बनाएंगे है इंशाल्लाह। चल ठीक है मैं जा रहा हूँ, फिर खानी भाई से पता करता हूँ उनकी छत पे उड़ाते हैं हम, आएगा हमारे साथ आएगा? क्यों नहीं आएगा? टाइम नहीं है भाई, अगला जनसा ना अभी आजकल टाइम नहीं है, रमजान है ना, दुकान में बैठूंगा ना। ये देखे गाइस हबीब का दिमाग पता नहीं कौन से कामों में गुम है, अभी बचा लेके गया इससे मैदा ठीक है, इसने से मीठा सोडा डाल दिया। यार यार कोई याद है तेरी है नहीं, तेरा काम चाह रहा था तू क्यों ऐसे काम कर रहा, क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है यार। अभी एक आंटी को भी इसने 50 रुपया वापिस नहीं किया, वो भी दोबारा आ गई थी यहाँ पे, वो अपने पैसे भूल गई है।
हाँ बस बाबा कम्युनिटी को लाइक किया हुआ है, ओए 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 सब्सक्राइब भी किया हुआ है। ये देख कैसा तू मेरा संगी है, नहीं देखता अब लोग क्यों नीचे दोस्ती कैंसिल, दोस्ती कैंसिल नहीं दोस्ती कैंसिल दे सर। यार भाई साहब 10 मिनट अखबार होने के बाद हमें छाते रेंज ये खानी भाई की। और ये चेक करो यार बारिश कितनी ज्यादा तेज हैवी वाली स्टार्ट होगी, ये देखना ओए 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 मोटी डोर से उड़ा, ओए बैकोट ही है ना ये रमजान के बाद, रमजान के बाद ओए आंच छुप के उड़ा लेते हैं, ठीक है व्लॉग नहीं बनाएंगे किसी को पता ही नहीं चलेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा उड़ा लेते हैं तो हम कहेंगे लाभा से उड़ा रहे, लाभा से उड़ा रहे, देखो कितनी मजबूत होती है लाभा। खाली भाई की स्टाइल चेक करो जी, ओए 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 फुल गंदगी है, ओए 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 गंदगी हो से कार हो से इधर नहीं आने लगा है यार। ये क्या सीन है, बारिश स्टार्ट होगी है, तुकल लेके तुकल गीला हो रहा है, तो तुकल मेल है या फीमेल है, तुकल गीला हो रहा है या तुकल गीली हो रही है, वट्टा मार बड़ा प्राण हाल है। ये एनके किधर से ली है, 20-20 वाली सेल में से, बीस बीस वाली सेल में से नहीं 150 रुपए की ली है भाई। खानी भाई तुकल वापस करो, खानी भाई तुकल वापस करो, लेके भाग गयो यार हमारी तुकल वापस करो, आप भाग के ले आओ, देखो आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ये देखें गाइस आपको अमन का स्टॉक चेक कराते चले, ये देखें ये देखें ये इन्होंने बैकआउट नहीं किया हुआ, इनके पास मोटी डोरे भी हैं तो ये देखें यार इन्होंने बैकआउट नहीं किया हुआ, ये देखें यार ये देखें गाइस ये देखें, ये जो है ना मोटरसाइकिलों का सामान भी है, चोरी के मोटरसाइकिलों का सामान भी है, इन्होंने जो जान का गंदा सामान अपने घर रखा हुआ है गाइस देखें गाइस, ये देखें मोटी डोर के सिलाई हुए कपड़े, ये देखें मोटी डोर से सिलाई हुए हुए कपड़े, ये देखें मोटी ओए होए 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 मोटी डोर टांग के अंदर डालूंगा ना, टांग के अंदर डालूंगा ना, टांग है यार अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट ही किया, ठीक है मैं बैठा ही हूँ, खाली व्लॉग स्टार्ट किया है, मुझे खाली तेरी टांग के अंदर डालूंगा ना यार, कैसी हरकत है यार, रोजा है तेरा कोई नहीं है बगैरत इंसान यार, बारिश नहीं मारे मुश्किल टाइम में काम आएगा तो कौन आएगा यार। बाकी यार इंतजार करते हुए हैं बारिश, ये देखें हम सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं ठीक है, और तो कल हमारी वो पड़ी हुई है, इंतजार हो ही नहीं रहा, बारिश रुकने का वेट कर रहे हैं लेकिन बारिश नहीं रुक रही। खैर यार अभी अफतारी का भी सीन होने लगे, तकरीबन आधा घंटा घंटा रह गया ठीक है, फिर चलते हैं अफतारी। ओ यार ये देखो आज तुम्हारे भाई ने वो ऐसा टोपी बना के चला गया, बाकी इंशाल्लाह यार अफतारी वगैरह करेंगे, देखते हैं अगर बारिश रुकती है तो फिर छत पे भी जाते हैं इंशाल्लाह, मुझे खाली टांग अंदर डालूंगा ना। चले जी खवतीनो जात फाइनली हम खानी भाई इधर बैठे हुए थे, ओहो मैं भी शादी भी करनी है, ये हम पबजी वगैरह खेल रहे थे, हमारे कुछ जा रहे हैं, ये हमारे शाका भाई आ गए, शाका भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं, बड़े प्यारे आप, बहुत अच्छा नजर आया है, ओए 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 शेरा शेरा इतना जोर नहीं लगाना पीछे से निकल आओगे, हाँ ना, और जब बारिश हो ये देख अभी भी बारिश है, जब बारिश हो रही हो फिर हम गुडे नहीं उड़ाते, और तुझे पता है हमने फुल बैकआउट कर लिए 2 महीनों के लिए। A few moments later. चले जी खवतीन आजाद फाइनली आपका भाई घर आ गया था ठीक है, आके अफतारी वगैरह की है, अफतारी वगैरह करने के बाद आपको पता है आपके भाई के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती ठीक है, हिम्मत नहीं थी तो आज बैठा हुआ था, मैंने कहा चलो यार ब्लॉग एंड करते हैं फिर एडिट भी करना है और फिर भाई जाके थोड़ी टिटू पार्टियाँ भी लगानी है इंशाल्लाह, तो बाकी ठीक है यार आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड, और बाद में थोड़ा सा और करना यार है क्योंकि जिस भाई ने इतना ज़्यादा बड़ा भाई कोट कर दिया ना तो वो अगले बंदे की मजबूरी समझ रहा है ठीक है, तो मेहरबानी किया करो ऐसी गंदी बातें ना किया करो, आप बाबा कम्युनिटी की पक्की और सच्ची पब्लिक हो ठीक है, लव यू आप लोगों के साथ यार, यहाँ से ये जो लिखा ना पीफ और पैंचो यहाँ से आपको जनसा ना दिल से लव यू है अच्छा, बाकी ठीक है यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और एक दो भाइयों के साथ शेयर भी कर देना, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।